आप देख रहे हैं दैनिक सेठ समाचार, मैं हूं बालकृष्ण शर्मा। अब ये पहुंच चुके हैं मोगला में, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मोगला में। मोगला में मेरे साथ ये एक सज्जन खड़े, मैं इनसे जानना चाहूंगा आपका नाम। मोहम्मद मुश्ताक नाम है सर। मोहम्मद मुश्ताक जी, आप कब से यहाँ खड़े हैं? मेरे को आधा घंटा हो गया, बट यहाँ पे मैं आया था अपने वाइफ को चेकअप के लिए। बोला कि आधे घंटे के बाद आपको पर्ची मिलेगा, तो मुझे यहाँ का जानकारी नहीं था, इसलिए मैं वेट करता रहा। अभी था वो दो, बोलते हैं 2 बजे के बाद ही यहाँ पे मिलेगी पर्ची। 2 बजे के बाद मिलेगी आपको? 2 बजे के बाद मिलेगी। आप कहाँ से आए थे, कितने दूर से आए हो? मैं तो यहाँ गुंदाखवा से आया हूँ, बहुत 80 किलोमीटर। इतना 80 किलोमीटर दूर गुंदाखवा से आए हैं, पिछले आधे पौने घंटे से यहाँ वेट कर रहे हैं। इन्हें यहाँ से एक जवाब मिला है कि आप आधे घंटे के बाद आना, और आधा घंटा लगेगा, यहाँ अभी बंद है, पर्ची नहीं मिलेगी। एक मरीज हैं जो ये मेरे साथ बैठे हैं, इनकी मिसेज है, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। वो आप देख सकते हैं किस तरह प्रॉब्लम है, वो बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ ब्रेक है। आप इन्हें आधा घंटा हो गया, आधा घंटा और इन्हें बताया गया कि आप आधे घंटे और आना। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा है कि यहाँ बाहर कुछ शॉप वाले, शॉप वाले क्या कहा, कितने की पर्ची मिलती है यहाँ शॉप पे? वहाँ पे बाहर गया मेडिकल वाले के पास, उसने बोला कि 100 रुपये पर्ची आपको अंदर से मिलेगी, उधर हॉस्पिटल से मिलेगी, तो इधर हमारे पास नहीं है। तो बाद में यहाँ अंदर आया, यहाँ मैम ने बोला मुझे कि 2 बजे के बाद आपको मिलेगी। तो कोई मरीज पे परेशान रहता है दर्द की वजह, हमको इतना सजा भुगतना पड़ती है, बट वो सजा भुगतना पड़ती है। देख सकते हैं ये गुंदाखवा से यहाँ आए हैं, यहाँ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, सरकार ने बिल्डिंगें बना दी हैं, सेंटर खोल दिए हैं, डॉक्टर लगा दिए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मुलाजिम नहीं है। इनका साफ साफ कहना है हम यहाँ से 80 किलोमीटर दूर से यहाँ पहुंचे हैं, अब इन्हें एक आदेश दिया गया है कि आप जाएं। ये बाहर एक शॉप वाले हैं, कहीं मेडिकल शॉप वाले हैं, जब उनसे इन्हें बात कर, तो उन्होंने कहा 100 रुपया यहाँ आप अंदर जाएंगे, उसकी पर्ची क्या लगेगा। अब ये गरीब आदमी 100 रुपये कहाँ से देंगे, कहाँ से दोगे 100 रुपया? हाँ सर, मजदूर आदमी सर, क्या कहाँ से मिलेगा 100 रुपये इधर? ये जो दृश्य है, ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर मोगला के हैं। मोगला के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ सरकार की तरफ से बिल्डिंग बना दी गई है, इतनी बढ़िया बिल्डिंग है यहाँ पर, यहाँ पर स्टाफ भी होगा, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं है। इनका ये साफ साफ कहना है, ये जो सज्जन मोगला से आए हैं, इनका ये साफ साफ कहना है, आधा घंटा पहले इनकी मिसी बीमार थी, काफ़ी परेशान है, वो बैठे हुए हैं बाहर, एक शॉप वाले के पास जाते हैं, शॉप वाला कहता है कि 100 रुपये लगेगा, लेकिन पर्ची अंदर से कटेगी, अभी आपको वेट करना पड़ता है। अंदर जब ये आते हैं तो यहाँ मिलते, उन्होंने कहा बाहर जाकर वेट करें। ये जो दृश्य है, ये मोगला के, मैं कोशिश करूँगा डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करूँगा, ये जो दूर दराज से मरीज आते हैं, इन्हें परेशान क्यों किया जाता है। मुझे एक बात बताइए, हमने तो यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं, स्टाफ मेरे पास 3 बंदे हैं, 3 बंदों को कम से कम रोटी चाय तो खानी है, उसमें कुछ ना कुछ स्टाफ की प्रॉब्लम। स्टाफ सिर्फ 3 बंदे हैं, ओनली 3 पर्सन्स मेरे पास, और वो भी मेरे पास सफाई वाले, मैं भी खुद बैठा ही हूँ, मुझे नहीं लगता ये ठीक बात है। आप इसको, मैंने बोला मैंने यहाँ पे भेजा इसको वापस, आप पर्ची मिलेगा 2 बजे के बाद, मेडिकल वाले के पास मिलेगा।